हे व्हाट इज द एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में जो है गाइज, हमने हमारे सारी कार के कलेक्शन को बेच डाला था और उससे जो है हमें $400,000 मिल गए। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब हमारे पास $400,000 हो जाएंगे तब हम हमारी पहली सुपर कार खरीद के लाएंगे। तो गाइज अब समय आ गया है हमारी पहली सुपर कार को खरीद के लाने का। तो ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस पे हूँ और ऑफिस को एक बार जल्दी से क्लीन करता हूँ। और आज जो है मंडी भी और आज कार ऑप्शन है, कार मार्केट तो ओपन नहीं है, तो शायद से हमें कार ऑप्शन में हमें फरारी मिल सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आज फरारी आएगी या नहीं, पर अगर नहीं भी आई तो हमें कार मार्केट में चल के देखना पड़ेगा, वहाँ तो हमें ज़रूर से फरारी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैं ऑफिस को क्लीन कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैंने ऑफिस को क्लीन कर दिया है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से चलता हूँ कार ऑप्शन के लिए। शायद से कार ऑप्शन स्टार्ट हो गए नहीं गई, तो कार ऑप्शन जो है हमारा 4 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे याद है शायद से मैंने एक गैरेज में गाड़ी रख दी थी पार्क करके, हमने उसे स्किल पॉइंट के लिए लाए थे हम खरीद के, मगर उसे बेचा नहीं और उसका मॉडिफिकेशन भी करा नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उसे हम मॉडिफिकेशन करते और उसे भी एक बार बेच डालते, उससे जो है हमें थोड़े से पैसे भी मिल जाएगी। तो ओके गाइस, अभी मैं जो है गैरेज पहुँच चुका हूँ और अभी हमारी कार जो है शायद से हमने अंदर पार्क करी हुई है। तो ठीक है गाइस, ये रही हमारी कार, अभी जल्दी से इनसे बात करके देखते हैं, शायद से हमारी कार डैमेज है। हाँ ओके गाइस, तो हमारी जो कार है ये डैमेज है, तो हम जल्दी से इसे रिपेयर करने के लिए डाल देते हैं। तो अभी हमारी कार जो है रिपेयर पे लग गई है, अभी हमें इसका वेट करना पड़ेगा कब तक रिपेयर होगी। तो गाइस अभी जो है 3 बज चुके, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ कार ऑप्शन के लिए, क्योंकि हमारा कार ऑप्शन जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें देरी हो गई तो हमारे आज से हमारी फरारी निकल सकती है। तो मैं जल्दी से भाग के चलता हूँ कार ऑप्शन की तरफ। तो ठीक है गाइस, अभी जो है हम कार ऑप्शन की तरफ आ गए और यहाँ पर जो है कार ऑप्शन स्टार्ट भी हो गए। तो मैं जल्दी से जो है इनसे टिकट बाय कर लेता हूँ और जल्दी से जो है अंदर चलता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैंने टिकट बाय कर लिया है और अब जल्दी से यहाँ पे बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कौन कौन सी कार आई। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो एक स्क्वाड ऑप्ट आई हुई, तो इसकी जो बिड है स्टार्टिंग की तो ये 22,000 है, अभी जो इसकी प्राइस है 29 तक चली गई है, मगर अभी हमें स्क्वाड ऑप्ट नहीं खरीदनी है। तो हम अब वेट करेंगे सिर्फ फरारी या लैम्बोर्गिनी का, क्योंकि लैम्बोर्गिनी भी काफ़ी अच्छी मतलब सुपर कार है और मुझे तो वैसे भी गाइज फरारी से ज़्यादा लैम्बोर्गिनी पसंद है। अगर लैम्बोर्गिनी मिल गई हमें अच्छे प्राइस में तो हम वही लेके चलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जो एक ऑडी Q7 आ चुकी है और इस पर जो बीड लगना चालू हो गई है, इसकी स्टार्टिंग की जो बीड है 5,000 से चालू हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कितने तक जाएगी। यार मुझे लगता नहीं कि आज सुपर कार होगी, क्योंकि अभी बस यहाँ पे जो 2 कार ही बची हुई है आने की। तो देखते हैं उनमें से कौन सी कार निकलती है, तो अगर उससे भी कोई अच्छी बढ़िया कार निकल गई तो हम उसे खरीद लेंगे, मगर गाइज वो जो कार है हमारे बजट में रहनी चाहिए, तभी हमारा फायदा है, वरना यार कोई फायदा नहीं हमारा। और कार ऑप्शन में जो गाइज कार आती है तो काफ़ी महंगी होती है, और उसकी जो प्राइस जब हम बेचेंगे उसे सेल के लिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में जाने वाली है। तो यार इस कार की तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा जा रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं जा रही, मगर इसकी बिल्ड भी काफ़ी ज़्यादा देर तक चली रही थी। तो ठीक है गाइज, अभी जो यहाँ पे 2 चैलेंजर आ चुकी है, तो इसकी स्टार्टिंग की बीड जो है 60,000 है, अभी इसकी बीड जो चालू है। गाइज ये 2 चैलेंजर भी काफ़ी तगड़ी कार है, आपको याद ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में 2 चैलेंजर खरीद के लाई थी और उसे मॉडिफाई करा था, तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी तो ये सिंपल से दिख रही है, मगर ये पेंट करने के बाद काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ठीक है यार अभी देखते। तो ओके गाइज, ये जो 2 चैलेंजर थी ये भी चली गई। 1 मिनट गाइज, यहाँ पे आप देख सकते फरारी आ चुकी है और इसकी प्राइस, ओ माय गॉड, 1 मिनट गाइज, इस फरारी की जो स्टार्टिंग की प्राइस है ये 15,000 है। और यार इस कार में इतना क्या खास है, मतलब अब तक जो हम फरारी देख रहे थे उनकी प्राइस कार मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा $400,000 रहती थी, मगर 1 मिनट गाइज इसकी प्राइस देखिए आप, स्टार्टिंग की बिल्ड जो इसकी 15 लाख है और अभी इसकी जो प्राइस है 18 लाख तक चली गई, और गाइज लगता है यार ये उससे भी ज़्यादा जाने वाली। मगर यार इस गाड़ी का जो लुक है एक बार ज़रूर से देखिए आप, ये कुछ मुझे अलग से लग रही है। जब हम कार मार्केट में जाते थे तो वहाँ पे जो फरारी आती थी तो ऐसी तो नहीं लग रही थी मुझे। और 1 मिनट, इसके मॉडल नेम भी देखिए, ये फरारी XXX है, और जब हम देखते थे जो कार मार्केट में थी तो फरारी L1 या L4 ऐसी कुछ थी शायद से। गाइज ये मुझे लग रहा है कि ये रेयर कार है, क्योंकि इसका लुक भी काफ़ी अलग दिख रहा है यार। या तो हमारा पूरा मतलब लॉस ही हो गया, लॉस तो नहीं हुआ हमारा, मतलब हम इतनी एक्सपेक्टेशन रख के यहाँ पे आए थे तो मुझे लगा था कि हमें फरारी मिल जाएगी, मगर एक फरारी तो आई है यहाँ पे, मगर एक काफ़ी रेयर कार आई हुई है फरारी की। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो एक कार ऑप्शन ख़त्म हो गए और यहाँ पे रात भी हो चुकी है, तो अभी हमें चलना पड़ेगा हमारे कंटेनर की तरफ। यार मतलब हमें हमारा यहाँ पर आने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मगर एक बात तो मुझे पता चल गई कि गेम में फरारी की रेयर मॉडल भी है,
जो सिर्फ ऑक्शन में मिलती। जब वो फरारी वहाँ पे आई थी बेचने के लिए बीड के लिए, तब आपने देखा ही होगा कि उस पर जो है कुछ मतलब ऐसा डेकोरेशन का सामान तो जो था वो गिर रहा था। तो इसका मतलब यही होता है कि जो गेम में रेयर कार होती है तो जब आती है वहाँ पे बीड के लिए तो उस पर वो गिरता रहता है। तो ठीक है गाइस, अभी हम कंटेनर में आ चुके, अभी जल्दी से हम चलते सोने के लिए। और जैसे ही सुबह होगी तो अभी हम वेट करेंगे कार मार्केट का ओपन होने का, और फिर देखेंगे वहाँ पे हमें फरारी मिलती है नहीं। तो हमें जो है फरारी का L1 जो मॉडल है वही लेना है, और उसके बाद जो है यार एक बार तो हमें वो रेयर कार तो लेनी है, क्योंकि वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। अब तक जो फरारी देखता था तो इतनी ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा तो खास नहीं थी, खास तो थी, मगर ये गाड़ी जो अभी हमने देखी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ठीक है, अभी हमारा रिजल्ट देख सकते हैं आप, हमने जो है $3 लाख कमाए। तो ओके गाइस, अभी जो है सुबह हो चुकी है और आज जो है कार मार्केट भी ओपन है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से अभी हम चलेंगे ऑफिस पे, ऑफिस को जो है क्लीन वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे कार मार्केट के लिए। तो एक मिनट यार, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, कार मार्केट ही चलता हूँ, क्योंकि ऑफिस जो है हम बाद में भी क्लीन वगैरह कर लेंगे, उसका कोई वैसा काम नहीं है, और ऑफिस पे वैसे भी हमारे कोई कार नहीं। तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैं कार मार्केट में पहुँच चुका हूँ, अभी देखते हैं आज यहाँ पे फरारी आई हुई है या नहीं। तो यार ये गेम थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, जान दीजिए कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, अभी जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रही है ऑडी लॉर्ड स्कॉर्ड, यहाँ पे हमारी पोर्स्विच नहीं, ये भी लगता है पोर्स्विच नहीं है, ये हम पिछली बार जो लेके गए थे वो लग रही है मुझे। उन दो कार में काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है पोर्स्विच में उसमें। ओके, तो ये रही शायद से पोर्स्विच। तो ठीक है, ये रही पोर्स्विच, और ये कौन सी है, ये तो रही ऑडी Q7। यार आज फरारी आई हुई है नहीं यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे, और आगे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, ये भी शायद से ऑडी Q7 है। हाँ ठीक है, ये तो ऑडी Q7 ही है, ये रही Volkswagen। और ओके गाइस, यहाँ पे जो है मुझे एक फरारी दिख गई है, अभी देखते हैं हम इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो ठीक है, इन मैम से बात करता हूँ मैं जल्दी से एक बार चल के, और देखते हैं फरारी हमें कितने मिलने वाली। ओके गाइस, ठीक है, तो इन मैम ने जो है इस कार की प्राइस बोली 4,01,000। अभी एक काम करते हैं, हमारे पास जो है 4,66,000 है, और इनसे जो है अभी हम बार्गेन करेंगे, और इन्हें प्राइस कितनी बोल के देखूँ मुझे पता नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो 3 लाख बोल के देखता हूँ गाइस, अगर उतने में हमें मिल गई तो अच्छा ही हो जाएगा, और वरना नहीं मिली तो कार की जो प्राइस है थोड़ी सी बढ़ा कर देखेंगे। तो ठीक है, अभी जो है मैंने इन्हें 3 लाख में बोला है, नहीं यार ये तो मैंने 30,000 में बोल दी, अगर मेरे और पॉइंट चले गए तो ये बार्गेन करने के लिए तैयार भी नहीं रहेगी, नहीं यार ये तो नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो शायद से गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो है 3 लाख बोलने की बजाय 30,000 बोल दिए थे। तो जान दीजिए, फिलहाल तो हमारे पास पैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर 4 लाख भी चले गए तो हमारे पास 66,000 तो है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जो है हमारी इस फरारी को जो है बाय कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइज, अभी जो है हमने फरारी बाय कर ली है, और गाइज एक मिनट देखिए आप, ये डैमेज भी नहीं है ज़्यादातर, सिर्फ 1% डैमेज है, और इसका एक बार लुक देखिए। तो ये रही गाइज हमारी सबसे पहली सुपर कार, और एक मिनट यार ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही। पहले यार गेम जब अपडेट नहीं था तो फरारी इतनी भी ज़्यादा खास नहीं लग रही थी। एक मिनट गाइज, मुझे ऐसे कुछ कन्फ्यूज़ हो रहा है, एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके यार, तो ये प्रॉब्लम है, तो सॉरी गाइज, मैं जो अब तक इसे फरारी बोल रहा था मगर मुझे कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे पता नहीं चला, जब मैंने आगे से देखा तो फिर मुझे पता चला। तो ये जो एक कार है ये फरारी नहीं, ये लैम्बोर्गिनी है, तभी मैं सोचूं कि ये आगे से कुछ अलग लग रही। तो जान दीजिए कोई बात नहीं, वैसे तो हमारी फेवरेट कार ही हमें मिल गई है, क्योंकि फरारी से ज़्यादा तो मुझे लैम्बोर्गिनी काफ़ी अच्छी लगती है, और लैम्बोर्गिनी का लुक जो है यार वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मगर पिछली बार जो हमने ऑक्शन में फरारी देखी वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और अभी देखना होगा कि गेम में और कोई रेयर कार है या नहीं। तो यार हमें तो लगता है जब हम इस कार को बेचेंगे मॉडिफाई करके, तो उसके बाद जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम जो एक कार ऑप्शन अटेम्प्ट करने जाएंगे, और देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सी कार आती है, शायद हमें और भी कोई रेयर कार मिल सकती है, तो देखना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, अभी जो है मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, इस लैम्बोर्गिनी में बैठता हूँ, और इसे अभी हम चला के ले जाने वाले, क्योंकि अभी हम जो इसकी स्पीड चेक करते एक बार मॉडिफिकेशन करने से पहले। तो ओके, अभी मैं जो एक कार में बैठ गया हूँ, और जल्दी से करता हूँ स्टार्ट और लेके चलता हूँ, जैसे इसे मैं ओके गाइस, जो इसमें जो पहले से NOS लगी हुई, तो पहले तो मुझे यहाँ से जो इसे धीरे से ले जाना पड़ेगा, वरना ये डैमेज हो सकती। तो एक मिनट, में थोड़ा सा गलत रास्ते पे जो है चला गया हूँ, तो हमारा ऑफिस शायद से इधर है। ओके ठीक है, तो ये रहा इधर हमारा ऑफिस, तो मैं इन्हें देखता हूँ इसमें देखे एक बार। तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रही मुझे,
एक मिनट गाइस, इसकी स्पीड देखिए आप, ये तो आराम से शायद 300 तो टच कर दी। तो एक बार देखिए आप इसने कैसे झुक मारी। तो मैं एक काम करूंगा गाइस, सबसे पहले जो इस लैम्बोर्गिनी को हम अपडेट कराएंगे, और जब हम इसे अपग्रेड कराएंगे तो इसे हम लेके चलेंगे ट्रेस ट्रैक पे, और इसकी जो एक बार स्पीड टेस्टिंग करके देखेंगे। तो अभी हम जो एक गैरेज पहुंच चुके, और यार ये कार देखिए एक बार, लैम्बोर्गिनी कितनी ज़्यादा शाइन करी और कितनी ज़्यादा ओसम लग रही। तो मुझे तो लग रहा है इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसमें पहले से NOS डले हुए दिख रहे। तो ठीक है, अभी मैं तो इसे यहाँ पे जो है पार्क कर देता हूँ, और जल्दी से उतर जाता हूँ नीचे, और अभी इनसे जो बात करके देखते। तो ठीक है, अभी जो है मैं इसमें रेसिंग किट डाल देता हूँ, एक मिनट, डिफॉल्ट किट जो है मैंने डाल दी थी, अभी ड्रिप किट भी डाल देता हूँ और टर्बो भी। तो इसमें जो है ड्रिप किट नहीं लगी हुई थी, मगर हमने जब ब्रेक लगाया था तो यार इसने काफ़ी अच्छी ड्रिफ्ट मारी थी। तो ठीक है, अभी जो है मैंने इसमें ड्रिप किट डाल दी, अभी तो इसकी चेकिंग अभी बाकी। तो सस्पेंशन इसका इतना ही रहने देंगे, तो जान दीजिए। अभी इस लाइट्स वगैरह देखेंगे, और प्लेट जो है कैलिफोर्निया की कराएंगे इस बार इसकी। और एक मिनट यार, इसकी व्हील देखता हूँ, यार व्हील तो इसके पहले से काफ़ी ज़्यादा तगड़े लग रहे। तो एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक वाले व्हील देखूंगा इसमें, जो सबसे ज़्यादा महंगे होंगे और अच्छे दिखेंगे। तो यार ये तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। तो एक मिनट गाइस, ये वाले डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ओके गाइस। तो इसके जो व्हील्स है, बस अभी इसका जो एक लाइट का कलर देखना बाकी है। तो यार लाइट कौन सी रेड करो या कौन सी करो, इस बार मुझे पता नहीं चल रहा। ओके एक मिनट गाइस, इसका जो लाइट से ये मैं सियान पेंट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अभी जो है हमारी लैम्बोर्गिनी की पूरी मॉडिफिकेशन वगैरह हो गई है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसमें बैठता हूँ और इसे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे रिपेयर करने के लिए ले चलता हूँ, क्योंकि हमारी जो कार है 1% डैमेज है कहीं से। तो ठीक है, अभी मैं जो इसे पीछे लेके आया हूँ, और अभी इसे लेके चलता हूँ रिपेयर के लिए। तो एक मिनट गाइस, इसे यहाँ पे रख देता हूँ। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा पीछे से तगड़ी दिखाई दे रही है मुझे। तो ओके, जल्दी से इनसे बात करता हूँ। यार हमारी कार का रिपेयर पता नहीं चल रहा, मगर कहीं तो है, ठीक है कोई बात नहीं, इसे डाल देते हैं हम रिपेयर के लिए, क्योंकि वैसे भी हमें $1500 ही लगने वाले रिपेयर का कोड जो है। तो ठीक है, ये जो है हमारी कार रिपेयर तो हो रही है। तब तक हम एक काम करते हैं, हमारी जो लॉर्ड स्क्वाड है इसे बाहर लेके चलते, और इसकी भी एक बार मॉडिफिकेशन वगैरह जो है करवा के लाते। तो अभी जो है 3 बज गए गाइस, और कार मार्केट से तो अभी हम आ गए। अभी हमारे पास 60,000 बचे हुए, तो इसमें जो है हम कार मार्केट से कोई कार भी ले सकते, मगर अभी जो है हम इससे कोई भी कार नहीं लेने वाले, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले जो है हमारी लैम्बोर्गिनी को अपडेट कराना है, और उसे बेच कर देखना है कि उससे हमें कितना पैसा मिलेगा। तो ठीक है यार, एक मिनट, अंदर कोई कार आ गई किसी की, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे ट्यूनिंग के लिए लेके चलता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या अपडेट कराना है। तो इस कार को भी हमें सबसे पहले जल्दी से बेचना होगा, क्योंकि हमें इसके बाद हमारी लैम्बोर्गिनी भी बेचनी है। तो मैं अभी इनसे बात करके देखता हूँ इसमें क्या क्या अपडेट कराना होगा। तो क्या इसमें जो है हमें रेसिंग किट डालनी होगी, ड्रिप किट भी डाल दे, ABS भी, और NOS भी डाल दे रही थी। तो ठीक है, नंबर प्लेट जो इसकी कैलिफोर्निया की पहले से। व्हील्स तो काफ़ी गंदे लग रहे यार, एक काम करता हूँ ये 1500 वाले डाल देता हूँ। और अभी एक मिनट, सस्पेंशन की तो कोई बात नहीं, इसकी लाइट जो है रेडी कराऊंगा मैं। तो ओके गाइस, इस कार की जो है इसकी भी ट्यूनिंग हो चुकी है। अभी एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसे लेके चलता हूँ पीछे, और अभी देखता हूँ मैं पेंट शॉप में कोई कार है या नहीं, और इस कार को भी जो है पेंट करने के लिए लेके चलेंगे। तो ठीक है, मैं धीरे धीरे इसे पीछे लेके चलता हूँ सबसे पहले तो। ओके यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही है। तो ठीक है, अभी मैं जो है पेंट की शॉप में आ गया हूँ, और अभी जल्दी से देखते हैं इस पर कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, और उसे पेंट करवाते। थोड़ी इसका जो नेचुरल कलर, फैक्ट्री कलर, कुछ गंदा लग रहा है, शायद से हमारी कार ही डर्टी है गाइस, इसीलिए इसका कलर जो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक काम करता हूँ, अगर इसे ग्रीन ही पेंट करो तो एक मिनट, वरना इसे एक काम करता हूँ मैं ब्लैक पेंट करवा के देखता हूँ, ठीक है। इसे जो है मैंने ब्लैक कर दिया है, अभी देखते इसकी मेटालिक फिनिश, तो मेटालिक इतने रहने देते, स्मूथनेस इसकी फुल करवा देते इस बार, ठीक है। तो इसका जो है इतना पूरा काम हो चुका है, अभी जल्दी से लेके चलता हूँ इसे पीछे, और पीछे यही गैरेज में जो है इसे पार्क कर दूंगा, क्योंकि हमें जो है हमारी लैम्बोर्गिनी का काम जल्दी से करवाना है। कई अभी जो है 6 बज चुकी है, और हमारा जो है ये गैरेज बंद होने वाला है, तो मैं जल्दी से हमारी लैम्बोर्गिनी को लेके आता हूँ, इसे तो यही रहने देता हूँ। तो इस ऐसे उसका काम हो गया रिपेयर का, ओके। तो ट्यूनिंग जो इसकी हो चुकी है, बस हमें अभी इसका जो है पेंट का काम करवाना होगा। तो ठीक है, मैं जल्दी से इसमें इंटर कर देता हूँ, वरना गैरेज बंद हो जाएगा और हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो ठीक है, अभी इसे लेके आ रहा हूँ मैं पीछे। यार इसका सस्पेंशन तो इतना ऊपर होके भी काफ़ी मुझे मतलब नीचे दिखाई दे रहा है, मगर एक बार देखिए यार कार कितनी मतलब पीछे से इसका लुक कितना औसम लग रहा है। तो ठीक है, मैं जल्दी से इसे यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और अभी देखते हैं इनसे बात करके। भाई जो लैम्बोर्गिनी जो व्हाइट कलर में भी काफ़ी अच्छी दिख रही यार, ये केम में जो लैम्बोर्गिनी आगे से ज़्यादा इतनी कुछ खास नहीं लगती मुझे, मगर जो साइड से एक काफ़ी अच्छी लगती। ठीक है, जो अभी देखती इस पर यार, ये तो रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा चमक रही, ग्रीन सियाम, इसे कौन सा कलर कराएगा ये कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैं कन्फ्यूज हो रहा। एक काम करता हूँ इसे येलो पेंट करो, तो यार येलो में तो काफ़ी अच्छी दिख रही, अगर ब्लैक करवाए तो ब्लैक भी काफ़ी अच्छा है, मगर इसे इस बार ब्लैक नहीं करेंगे, आगे कोई कार जब हम लाएंगे फिर से लैम्बोर्गिनी थोड़ से कराएंगे ब्लैक वगैरह। तो यार इसका सियान कलर भी एक काम करते हैं, रेड नहीं यार, रेड तो फरारी का करवाना था, तो फिर इसका जो मैं एक काम करता हूँ सियान ही पेंट करवाता हूँ, सियान नहीं इसमें काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ठीक है, इसका जो कलर है मैंने सियान कर दिया है, अभी देखते हैं इसकी मेटालिक वगैरह, मेटालिक इतनी कर देते हैं हम, अभी इसकी स्मूथनेस भी देखते हैं एक बार। तो ठीक है, इसकी स्मूथनेस जो है मैंने फुल वगैरह कर दी, तो इसका काम जो है अभी पूरा हो चुका है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ इसे लेके चलता हूँ पीछे। गाइस एक बार एक काम कीजिए, अब इस कार का लुक देखिए एक बार, इसकी स्मूथनेस जो है मैंने फुल करवाई है, और इसका जो पेंट है सियान पेंट करवाई है, जब पहले पेंट करा था तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मगर इसकी स्मूथनेस और मेटालिक जब मैंने बढ़ा दी तो काफ़ी ज़्यादा औसम लग रही है। तो यार इसे जब हम सुबह बेचेंगे तो इसकी काफ़ी अच्छी हमें कीमत आने वाली है। गैस हमें जो है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी एक परारी रखनी है, परारी या कोई भी एक सुपर कार तो रखनी है, क्योंकि हमारे पास एक भी कार नहीं है पर्सनल यूज़ के लिए। हम वैसे तो कोई सस्ती से भी कार रख सकते हैं, मगर हमें एक सुपर कार रखनी है। अभी जो हमें लैम्बोर्गिनी लाई तो हम इसे भी रख सकते थे, मगर गाइज अभी आप देख सकते कि हमारे पास जो है $55,000 है, और अगर हमने एक कार पर्सनल यूज़ के लिए रख दी तो हमें इतनी पैसों में जो है हमारा काम चलाना पड़ेगा, और फिर से जो है हमें सस्ती गाड़ियाँ लानी होगी और उसे बेचना होगा। तो इससे जो है हम काफ़ी स्टेप पीछे चले जाएंगे और हमारा जो है धंधा भी पूरा लॉस में चला जाएगा। तो अभी हम इस लैम्बोर्गिनी को जो है पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं रखेंगे, इसे जो है हम सीधा बेचेंगे, और इसको बेचने के बाद जो है गाइस हमें इस कार की जो मैक्सिमम प्राइस है इसके बारे में भी पता चलेगा। तो ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से इसमें बेचता हूँ, और एक काम करूंगा मैं इस कार को जो है सीधा हमारे गैरेज में नहीं हमारे ऑफिस में जो है पार्क कर देंगे, क्योंकि अभी तो जो है रात हो चुकी है और जब हम सुबह आएंगे तो हमें अब इस कार को बेचना भी होगा। तो एक मिनट गाइस मैं इसे धीरे से लेके चलता हूँ पीछे, तो मैं इसे जो है पीछे तो लेके आ गया हूँ, अभी हम चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ। गाइस अभी हमें जो है इसका स्पीड टेस्ट भी कराना बाकी है, तो शायद से वहाँ पे कोई बंदा है, ओके तो वहाँ पे बंदा है, मगर अभी तो इसका स्पीड टेस्ट हम नहीं करेंगे। एक काम करता हूँ मैं इसे फिलहाल के लिए तो गैरेज में ही पार्क कर देता हूँ, बाद में इसकी जो है स्पीड चेक हम कराएंगे कि ये कितनी जाती है और कितनी नहीं। अभी जो है हमें बाकी की भी सुपर कार खरीद के लानी होगी और उनका भी जो है स्पीड चेक कराना होगा, फिर उसके बाद जो है हमें कार पता चलेगी कि कौन सी कार हमें कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। तो ठीक है, मैं जहाँ से जो है बाहर चलता हूँ यार, या तो कार ने पूरी जगह मतलब बना ली। ओके गाइस, तो अभी मैं जो है यहाँ से बाहर निकल आया हूँ। यार इस कार का लुक जो है मुझे पीछे से काफ़ी पसंद आ रहा है, मतलब एक बार देखिए आप ये कितनी मतलब औसम लग रही है। तो ठीक है गाइस, अभी जो है इसे यही रहने देती हूँ, ऑफिस यार डर्टी। ओके, तो सुबह जब हम आए थे तो हम सीधा कार मार्केट के लिए चले गए थे, तो मुझे याद नहीं रहा ऑफिस जो है हमने क्लीन नहीं किया था। तो ओके गाइस, अभी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से चलता हूँ हमारे गैरेज के लिए, क्योंकि हमारी जो लॉर्ड स्कॉर थी वो भी वहाँ पे पार्क है, तो हमें उसे भी लाना होगा और उसे जो है हमें ऑफिस पे लगाना होगा। सबसे पहले तो हमें उस लॉर्ड को स्कॉर को जो है बेचना होगा, क्योंकि उससे जो हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तो शायद से यार उससे मैंने सिर्फ पेंट कराया या नहीं, ओके तो इसका जो काम है पूरा तो हो चुका है, इसे ट्विनिंग भी हमने कराई है और इसे जो है ब्लैक कलर करवाए। तो यार अभी लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी, इसलिए इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये लगता है मुझे डर्टी, एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ कितनी डर। ओके यार, ये तो पूरी 100% डर्टी है। तो एक मिनट इसे दो, ये हमें क्लीन कराना होगा, इसे अभी तो क्लीन नहीं कराऊंगा। इसको अगर अब मैंने अभी क्लीन कराया तो इससे जो हमें स्किल पॉइंट तो मिल जाएंगे, मगर जब हम सुबह आएंगे तो यार इसे फिर से क्लीन करना होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे सुबह ही क्लीन करूँगा। तो ठीक है गाइस, अभी मैं जो है आ चुका हूँ हमारे ऑफिस के लिए। यार अभी इस लॉर्ड स्कॉट को देखिए और उस लैम्बोर्गिनी को देखिए, अभी हम जो खरीद के लाए थे इसके आगे काफ़ी ज़्यादा फीकी लग रही। तो ठीक है गाइस, अभी मैं जो नीचे उतर चुका हूँ और ऑफिस जो है हमारा वैसे भी क्लोज ही है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ से जो बाहर निकलता हूँ यार, या फिर मुझे फिर से जगह नहीं रहा। ओके, इससे जो है हमें स्किल पॉइंट भी मिल जाएंगे,
तो ठीक है मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, इसको जो क्लीन वगैरह करवा दो। तो ठीक है अभी जो है मैंने ऑफिस को क्लीन कर दिया, अभी मैं एक काम करता हूँ जल्दी से चलता हूँ हमारे कंटेनर की तरफ सोने के लिए। तो ऑर्डर गाइज अभी हम आ चुके हैं हमारे कंटेनर की तरफ सोने के लिए, और अभी हमारा कंटेनर तो ओपन ही है, अभी हम जल्दी से जो उठे। तो ठीक है गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 4 लाख का लॉस हो गया है, मतलब लॉस तो नहीं हुआ है, हम उसके बदले जो है हमारी लैम्बोर्गिनी खरीद के लाए। तो अभी हमें जो है हमारी लैम्बोर्गिनी को हमने तो पूरा मॉडिफिकेशन वगैरह कर लिया है, अभी हमें उसका स्पीड चेक भी करना होगा और उसे जो बेचना पड़ेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में। तो हमारे 4 लाख में लाए तो मुझे तो लगता है गाइज उसे हमें जो दुगनी दाम में बेचना पड़ेगा, मतलब हमें उसे पूरा 8 लाख में या 10 लाख में बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उस कार की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि वो एक सुपर कार है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम उसे दुगने दाम में नहीं बेच सकते। तो ठीक है गाइज फिलहाल के इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।